विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर. थैंक यू सो मच. ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड. और तुम हमेशा ऐसे ही काम करते रहो जिससे हमें भी खुशी होगी. और इनकी मूवी है जो कि मैं भी कर रहा हूँ, उसका भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन है. ये और अच्छा काम करें और हम लोग एक साथ सब काम करें. और बहुत बढ़िया इंसान है. आई एम प्लेइंग इन दिस मूवी एज ए लीड एज ए बिग ब्रदर. सो बाकी दीपक बताएगा आने वाले टाइम में. अभी थोड़ा गुप्त रहने दो ये चीज़ें. बहुत सारी खुली नहीं गई हैं क्योंकि दो तीन स्टार कास्ट फाइनल नहीं की गई हैं. पर हाँ, मन भाई काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं. मैं मन भाई का काम देख चुका हूँ कि मन भाई जब आते हैं स्क्रीन पर तो अपनी एक रियल अपीयरेंस लेकर आते हैं और नेचुरल एक्टर हैं. और मैं दिल से बधाई देता हूँ भाई, अच्छा काम कर रहे हैं. कई बार इन बड़े बड़े सीरियल्स में देखा गया है इनको और हमारे साथ भी काम करेंगे. बहुत बहुत उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. Thank you so much. You have to see. Look the camera and please speak something. Speak loudly because मैं कॉल बैक करता हूँ. आवाज आनी चाहिए यहाँ पे. All the best for your movie and come close, come close. Come little closer. Happy birthday and congratulations with your movie and all the best. Thanks. Okay. आने वाले साल की अग्रिम बधाई. नहीं मैं तो बोलूँगा. और नमस्कार एवरीवन. नमस्कार. आने वाले साल की आप सबको अग्रिम बधाई मेरी तरफ से. अग्रिम मतलब एडवांस होता है. यस यस जी. कुछ है मेरे लाइक जी. जी क्या कुछ गाने रिकॉर्ड हुए, किस प्रकार का गाना है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? दो दो इवेंट है यहाँ पे, मतलब दो डबल डबल खुशियाँ हैं. बर्थडे भी है और मुहूर्त भी है. तो मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत आपके गाने से रिकॉर्डिंग हो रही है. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से. आप जी हैं हजारों साल और साल के दिन हो. दो चार लाख तो होने चाहिए मुझे. बिल्कुल. ये दोस्त है मेरे रोहित प्यारे जी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. और सर जिनकी फिल्म के लिए मैंने अभी गाया है तो गाना तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है. अभी प्रमोशन भी अच्छा करिएगा प्लीज आप. जी बिल्कुल, अब भी बुलाएंगे. मैं तो आया हूँ सर, मैं साथ ही हूँ आपके. सर ये भी बता दीजिए, फिल्म मैंने लिखी है. और इस फिल्म को लिखा है इन्होंने, रोहित प्यारे जी ने. तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू होल टीम ऑफ रूहानी जी. एंड मेरा एक डुएट सॉन्ग है, थोड़ा नोटी टाइप है, अच्छा गाना है. और मैं दुआ करूंगा कि वो गाना आपको पसंद आए और पसंद आने के बाद तो हिट होना ही है. सर आपने जितने गाने आज तक गाए सारे गाने हिट हुए हैं और ये गाना भी माशाल्लाह हिट जाएगा. ये हमारी दुआएं आपके साथ. बस आपका प्यार यूं ही बना रहे. थैंक यू सो मच. आई विल ट्राई ऑलवेज माय बेस्ट. मैं बहुत खुश हूँ कि शायद भाई मेरे साथ आए हैं. मुझे उम्मीद नहीं थी कि आएंगे. मैंने बड़े बड़े सिंगर्स को अप्रोच किया. एक बड़े भाई हमारे शायद भाई को अप्रोच किया तो तुरंत हाँ कर दी. इससे पहले भी बड़े सिंगर्स को अप्रोच कर चुका था लेकिन डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है भाई का. और पहुँचे हैं हमारे साथ में और आप सबके साथ बैठे हैं. गाना दुर्गेश भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो. और इसके अंदर कुछ मैंने लिखे हैं जो भाई ने बखूबी गाया है और बहुत प्यारी धुन है और जो दुर्गेश भाई ने बनाई है. और ये तो फिल्म दुर्गेश हमारे कंपोजर, उनको बुला लीजिए फ्रेम के. बुला लीजिए फ्रेम में आ जाए वो भी. और ये फिल्म करीब दो घंटे की फीचर फिल्म है जिसमें कई आर्टिस्ट काम कर रहे हैं. हमारे भाई ने फिल्म लिखी है रोहित प्यारी जी ने और सर हमारे साथ हैं. ये मेरे प्रोड्यूस भी कर चुके हैं और जाने वाने चेहरे हैं इंडस्ट्री के. कुछ कहने की जरूरत नहीं है इनके कोई करेक्टर के बारे में. तो संजय सर मेरे आदर्श रहे हैं पॉलिटिकली भी और दुनियादारी के लिहाज से भी. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें हम लोगों को और ये फिल्म जरूर जब रिलीज हो तो देखने जरूर. संजय क्या कुछ कहना चाहेंगे? डबल डबल खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का. आज ही के दिन दीपक जैसा होनहार व्यक्ति इस दुनिया में आया है. दीपक को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं. गाने की रिकॉर्डिंग की प्रोसीजर कुछ चल रही थी, मैं अंदर सुन रहा था. बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है, बहुत खूबसूरत गाना है. मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना, फिल्म तो हिट होगी, गाना भी उतना ही सुपर हिट. और ये दीपक का
प्रोजेक्ट दीपक की प्रोजेक्ट के लिए बधाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि दीपक लोगों को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करेंगे इस प्रोजेक्ट से, और एक बढ़िया खूबसूरत फिल्म बनेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा। दीपक शर्मा जैसी शख्सियत ने इस दुनिया में कदम रखा था, और मैं दीपक को जन्मदिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं कह रहा था कि अभी मैं गाने की रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर चल रहा था, मैं अंदर बैठे बैठे सुन रहा था, मेरे भाई ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये गाना गाया है, बहुत ही बढ़िया गाना गाया है इन्होंने, और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म तो अच्छा करेगी, हिट होगी होगी, फिल्म के साथ साथ भी वो जो गाना मैं सुन रहा था, मुझे पूरा यकीन है कि वो गाना भी सुपर हिट होगा। और आने वाले इस अपनी प्रोजेक्ट के लिए मैं दीपक को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में दीपक ऐसे और कई अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और मैं भी दीपक के साथ में, जैसे पहले भी मैंने दीपक को काफ़ी हौसला अफजाई की है, दीपक की हर तरह से मदद की है, और आगे भी दीपक को इसी तरह से प्रोत्साहित करता रहूँगा। और मेरा यकीन है दीपक एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर और डायरेक्टर हैं, आने वाले समय में देश में एक बड़ा नाम होंगे दीपक, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, और मैं इस फिल्म के लिए दीपक को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दो शब्द कहना चाहता हूँ, मेरा रिव्यू ले लो भाई। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, संजय ठाकुर जी मेरे बड़े भाई हैं, इवन मेरे पिताजी जैसे हैं, और पॉलिटिकली मेरा जो भी नाम है एज अ वक्ता, वो मैं इनसे सीखा हूँ, क्योंकि इनकी जो वाणी है, इनका जो बोलने का तरीका है, बहुत सीधा बहुत सरल है, बिना चुभे हुए किसी भी अपोजिशन पार्टी को कुछ भी बोल जाते हैं। और किसी भी न्यूज़ चैनल में आप देखिए, इन्होंने जो बोला है, भाजपा के प्रवक्ता हैं अभी, और आने वाले टाइम पे मैं आशा करता हूँ कि देश के बड़े पद पर सुशोभित हों, और मैं चाहूँगा कि मेरा पूरी लाइफ इनका साथ रहे, मेरे इनका आशीर्वाद रहे, साया रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप इवेंट में आए सर, बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा ठीक है, गाने तो चार गाने हैं इस फिल्म में, और रूहानी टाइटल है फिल्म का, जो हमारा अभी जो सॉन्ग रिकॉर्ड किए वो रूहानी टाइटल के बेसिस पे ही है, और बहुत प्यारा सा सीड्यूसिंग और रोमांटिक सॉन्ग है ये, और बहुत इसमें जान डाल दी हमारे शाहिद भाई ने, जो मेरे पुराने मित्र हैं, और मैं खुद भी इनका और इनकी वॉइस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इन्होंने जो जिस भी फिल्म में गाया है, मौसम है, मौसम के गाने हैं, मन मर्जियाँ हैं, उड़ता पंजाब है, और गाने बहुत ही हिट रहे हैं, और बहुत ही प्यारे सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी। सो अच्छी तरीके से हमारा ये पूरा सॉन्ग बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, भाई की आवाज़ में गाने में जाना गई है रूहानी सी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे सॉन्ग कॉम्पोजिशन बनाई इन्होंने और लिखा भी अच्छा। किसने लिखा? जुनेद और किशन पालीवाल जी ने। जुनेद भाई ने लिखा। मैंने भी है, मेरा मत भूल जाओ। दीपक जी ने भी लिखा। दीपक भाई ने सब करे। मिलीजुली सरकार हमने बनाई है, तो आपका समर्थन चाहिए सबका। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू। और फिल्म का मुहूर्त भी उनके नतीजे से मुबारकबाद चाहिए उनको। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले तो जो बर्थडे, दूसरा मूवी का मुहूर्त, वो कहते हैं ना कि दो मुहूर्त एक साथ में, तो मतलब इससे बड़े और एक मुहूर्त के लिए क्या हो सकता है। और दूसरा एक जो मूवी बना रहे हैं, मतलब एक है ना, इतना सब कुछ खुद अकेले हैंडल कर रहे हैं, मतलब राइटिंग भी, डायरेक्शन भी, और मतलब हम सब लोगों को भी इस टाइम पे जो हैंडल कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत बहुत मैं दीपक शर्मा को बधाई देना चाहती हूँ। तो आप फिल्म कैसा है या फिर? हाँ यस, मैं एज ए हीरोइन एंड तीन एक्ट्रेस हैं हमारी, तीन एक्ट्रेस में एक एक्ट्रेस का ये अदा कर रही हैं, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, पहले भी दो फिल्में कर चुकी हैं, और ये उनकी तीसरी फिल्म है। राइट, कलाकार के तौर पे और एक मतलब इंसान के तौर पे क्या अच्छी बात लगती है दीपक जी में आपको? दीपक जी में मेरे को बहुत सारी खासियत लगती है, और मतलब अच्छाई भी है कि एक, वो कहते हैं ना कि एक, सबसे पहले तो एक हम सबका आशीर्वाद इनके साथ में है, और दूसरा एक जो एक कर रहे हैं, मतलब मैंने अभी मूवी बहुत सारी की है, बट एक वो कहते हैं ना कि इतना सब सारा अकेले हैंडल करना, ये मैंने अभी तक इस तरीके से नहीं देखा। सो ये मैं सबसे पहले इनके अंदर एक खासियत देख रही हूँ।
सर आप बताइए, आप इतने बड़े ज्योतिष हैं, क्या कहते हैं दीपक जी के भविष्य के बारे में? आपने कभी देखिए दीपक जी से तो मेरा परिचय बहुत पुराना है। दीपक जी से 2011 से मैं बॉम्बे आना जाना है, और ये बहुत टाइम से अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। FM में भी थे जैसा इन्होंने शुरू में बताया, और कुछ काफ़ी समय से फिल्मों में, और विविधता भरा हुआ इनका व्यक्तित्व एक्चुअली, और होता है ना सभी चीज़ों में, या अगर ये राइटिंग भी करेंगे तो प्रोडक्शन भी करेंगे तो डायरेक्शन भी करेंगे, तो समय लगता है अगर ऐसे व्यक्तित्व को आगे आने में। और इनकी असली पहचान तो अब आप लोग और जनता की बताएगी क्या चीज़ इनकी सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें तो सभी चीज़ें पसंद आती है इस तरीके से इनका व्यक्तित्व। और 6-7 साल पहले ही मैंने इनको ये कहा था कि आपको समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि बट कामयाबी खट्टी में तपेंगे जितना सीखेंगे, और जैसे मैं अक्सर मिलता हूँ अब बहुत मैच्योर हो गए हैं ये, और हर फूल से आगे सीखते हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब बढ़ रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं ये कि बहुत सफल हो ये प्रोजेक्ट इनका। और इनका जो एक वीडियो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे जो बनाया था, बहुत ही सुंदर इनकी भाव व्यक्त किया इन्होंने, और सामाजिक मुद्दों से भी जुड़े रहते हैं आप सभी चीज़ों से, तो ज़्यादा बड़ा व्यक्तित्व होने में समय लगता है। सबसे ज़्यादा वही खासियत है कि जो ये पॉलिटिशियन से भी हैं वो सबसे एक ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सच्चाई, सरल और लगनता से लगे रहते हैं। yes. अन्य लोगों की तरह प्रतिस्पर्धा में कोई शॉर्टकट या कोई स्वार्थ या लालच मुझे नहीं दिखता, तो वो मैं प्रशंसा करना चाहूँगा इनकी व्यक्तित्व। मैडम कह चुकी हैं। मैं कह चुकी हूँ दीपक जी डाउन टू अर्थ है। दीपक जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, मैं अपने कामों में बिज़ी, मैं अलग फिल्में कर रही हूँ, ये अपने कामों में बिज़ी, उसके बावजूद भी जब ये फिल्म स्टार्ट कर रहे थे इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप इसमें काम कर रही हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी महानता है कि ये अपने पुराने मित्रों को भूलते नहीं हैं, कितने भी बड़े हो जाए डाउन टू अर्थ हैं। और अरे बड़े का आप बड़े, आप जैसे लोग बड़े हैं इसलिए हम बड़े हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की भी और फिल्म के मौके की। शर्मा है और ग्वालियर से हूँ। दीपक भैया ये हमारे शाड़ू भैया हैं, इनके जरिए मेरा इनका इनसे परिचय हुआ है, तो मैं इनको बर्थडे पे क्या कहते हैं विश करने यहाँ आया हूँ इनके साथ ही। बहुत अच्छे हैं दीपक भैया। मेरा नाम संदीप शर्मा है, लड्डू मेरा प्यार का नाम है, और मैं दीपक जी को सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और व्यक्तित्व तौर पर दीपक जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मिलनसार इंसान हैं, और उन्होंने ये जो मूवी बनाई है ये उनकी मूवी सुपर सुपर हिट जाने वाली है, और आगे भी मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि दीपक जी ऐसे ही तरक्की करते रहें और मूवियाँ बनाते हैं। धन्यवाद।